ईमान को मजबूत करना। 48। मेरे पास एक ख्याल था जिसे मैं शेयर करना चाहता था। मैं शैतान के एक ताकतवर हथियार और जाल के बारे में सोच रहा था जो हर मुसलमान को मुतासिर कर सकता है, चाहे इसके ईमान की मजबूती ही क्यों ना हो। शैतान मुसलमानों को इस बात पर आमादा करने की कोशिश करता है कि वो हमेशा उन लोगों का मुशाहिदा करें जो उनसे बदतर हैं, ताकि अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में कोशिश ना करने और उनके किरदार और तर्ज अमल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए उनके फुकदान को साबित किया जा सके। मिसाल के तौर पर, एक मुसलमान जो अपनी फर्ज नमाजें वक्ता फोकता पढ़ता है, वो ऐसे शख्स को देखेगा जो खुद को बेहतर महसूस करने के लिए बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता। एक चोर कातिल को देखेगा और खुद को समझाएगा कि चोरी इतनी बुरी बात नहीं है। मिसालें लामुतनाही हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि ये मुसलमान अल्लाह ताला की इताअत में अपनी कोताही का जवाब पेश करने के लिए उनसे बदतर नजर आने वालों को इतनी आसानी से कैसे देख लेते हैं, लेकिन यही लोग उन लोगों को नहीं देखेंगे जो उनसे बदतर हालत में है। मुश्किलात का सामना। मिसाल के तौर पर, जो शख्स कमर के दर्द में मुब्तला है वो जिस्मानी तौर पर माजूर शख्स का मुशाहिदा नहीं करेगा ताकि ये उन्हें शिकायत करने से रोके। जामे तिर्मिजी नंबर 2513 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने खास तौर पर इस रवैया की तलकीन फरमाई है। मजीद बरा, अगर उन लोगों का मुशाहिदा करना जो उनके रवैये में बदतर दिखाई देते हैं, किसी को दुनियावी अदालत में सजा से नहीं बचा सकता, जैसे कि एक चोर को जज की तरफ से मुआफ कर दिया जाता है क्योंकि दुनिया में बहुत से कातिल हैं, तो कोई कैसे सोच सकता है कि ये उज्र बरकरार रहेगा अल्लाह की बारगाह में। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने से बेहतर लोगों को देखकर शैतान के इस जाल से बचें, ताकि अल्लाह ताला की खुशनूदी के लिए वो अपने किरदार और तर्ज अमल को बतदरीज बेहतर करने की तहरीक करें। ये वही है जिसका मतलब अल्लाह ताला मांगता है, वो कमाल का मुतालबा नहीं करता। हमारी वेबसाइट www.sheikhpad.com पर 400 से ज्यादा मुफ्त ई बक्स, ऑडियो बक्स, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग दस्तियाब है।